Hey guys, welcome back to my channel Beauty by Rakhi. So guys, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप रेजर की हेल्प से या फिर वीट स्ट्रिप्स की हेल्प से सही तरीके से किस तरीके से स्पेशली अपने अंडरआर्म्स के हेयर रिमूव कर सकते हैं. तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स प्रोसीड. सो मैंने यहाँ पे अपने अंडर आर्म्स हेयर रिमूव नहीं किए. तो सबसे पहले आप कोई भी शेविंग जेल या शेविंग फोम ले लीजिए, जो भी आपको सूट करता हो. तो आपको उसे 10 टू 20 सेकेंड्स के लिए जेंटली मसाज करना है अपने अंडर आर्म्स पे, ताकि हमारे हेयर जो है वो स्मूथ हो जाएंगे और आसानी से निकल जाएंगे. तो बाकी के जो भी आप दूसरे हैंड से जिससे मसाज करेंगे उसको अच्छे से वाइप कर लीजिएगा, ताकि आपको अपनी शोल्डर की स्किन पकड़ते टाइम ग्रिप मिले. तो सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं, हमारे जो शोल्डर के हेयर होते हैं वो सब डायरेक्शन में होते हैं, कोई एक डायरेक्शन में नहीं होते हैं. तो आप उसे सब तरीके से, मतलब सब डायरेक्शन से निकालिए. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन से निकालें, क्योंकि हमारे सब डायरेक्शंस में बाल होते हैं. और बहुत ही जेंटली ग्लाइड करें आप रेजर को. बहुत लोग बहुत प्रेशर डाल के उसे ग्लाइड करते हैं. बहुत ही जेंटली ग्लाइड करें और देखिए कितने आसानी से ये निकल गए हमारे शोल्डर्स के हेयर. तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा, जब भी आप रेजर से बाल निकालते हैं तो हल्के छोटे से बाल रह जाते हैं जो चुभन देते हैं हमें. तो आप क्या कर सकते हैं, रेजर यूज़ करने के बाद आप वीट स्ट्रिप्स यूज़ कीजिए. तो आपको क्या करना है, अच्छे से उन्हें रब कर लेना है. तो ये मैंने आधी ऑलरेडी यूज़ कर ली थी, तो बची हुई हम यूज़ करेंगे. अच्छे से रब कर लेना है, ताकि उनमें जो वो कोल्ड वैक्स है वो थोड़ा नरम हो जाए. तो अगर आपकी अंडरआर्म्स बहुत ज़्यादा स्वेटी हैं या बहुत ज़्यादा आपको पसीना आता है, तो आप उसे वाइप कर लीजिए और उसमें पाउडर लगा लीजिए, जिससे आसानी होगी आपको. अगर नहीं है तो आप नहीं यूज़ कीजिए पाउडर. तो अच्छे से हथेली के बीच में उसे रब कर लें, ताकि वो थोड़ी वार्म हो जाए. और उसके बाद आपको हाफ हाफ करके यूज़ करनी है, मतलब पूरी अंडर आर्म पे डायरेक्टली नहीं लगानी, और दूसरे हाथ से पकड़ के ग्रिप बना के आधे अंडर आर्म पे पहले लगानी है, रब करना है, एंड देन फुल फोर्स के साथ आपको उसे निकालना है. एंड ऐसे ही बाकी की अंडर आर्म्स पे आपको यूज़ कर लेना है. तो जब आप इस तरीके से यूज़ करेंगे तो आपको मेक श्योर करना है कि आप झटके से यूज़ करें फुल फोर्स के साथ. एंड आप देख सकते हैं क्लियर डिफरेंस. एंड इस तरीके से यूज़ करने से आपको थोड़ी भी चुभन नहीं होगी. सो गाइस, आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और क्लियर डिफरेंस देखिएगा अपने अंडर आर्म्स में. तो जब भी आप अपने अंडर आर्म्स करेंगे प्लीज इसे ट्राई कीजिएगा. एंड मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं अपनी वीडियो जब भी अपलोड करूँ आप उसे सबसे पहले देख पाए. थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय.